अस्सलाम वालेकुम। आज का मेरा टॉपिक है इमोशनल वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। ये एक साइंटिस्ट हैं, डेविड आर हॉकिन। ये पीएचडी स्कॉलर हैं और इन्होंने मुख्तलिफ बुक्स लिखी हैं और इन्होंने जो काफ़ी काम किया है वो फील्ड ऑफ कॉन्शियसनेस पे किया है। और उसके बाद इन्होंने बहुत यूनिक तरीके से पढ़ाया है और लिखा है। और इनकी मुख्तलिफ बुक्स हैं, इनकी एक बुक है हाउ टू सरेंडर टू गॉड। इसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो यूनिक तरीके से एक्सप्लेन किया है इंटेग्रिटी को, स्पिरिचुअलिटी को, इंटेंशन को और विलिंगनेस टू सरेंडर टू द प्रेजेंस ऑफ गॉड को। और फिर ये पाथवे ऑफ हार्ट एंड टू नोइंग गॉड। और इन्होंने जो इमोशन मेजर्स करने के लिए एक टेस्ट तैयार किया और जो टेस्ट साउंड, लाइट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को जो के आती हैं जो ह्यूमन फील्ड्स के हार्ट की तरफ, जब इंसान सोचते हैं तो उसकी जो इमोशन होते हैं और जो इमोशन क्रिएट करते हैं इमोशनल वाइब्रेशन को। इससे पहले जो साइंटिस्ट थे वो साइंटिफिकली ये चीज़ प्रूफ नहीं दे सकते थे कि जो इमोशनल हैं उनकी क्या फ्रीक्वेंसी है वाइब्रेशनल। इन्होंने एक स्केल तैयार किया, उस स्केल के मुताबिक 1 into 1000 और 2 into 2000 इन्होंने हर्ट्स पर सेकंड के हिसाब से वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी मेजर की। और उसमें इन्होंने मुख्तलिफ जो इमोशंस हैं उनकी रीडिंग बताई। तो अगर हम ये अपने इमोशंस के बारे में, इनकी जो फ्रीक्वेंसी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है जो कि कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन है, उनको अगर हम जान लेंगे तो फिर हम अपने आप को, अपने इमोशंस को रेगुलेट कर सकते हैं, अपने इमोशंस के साथ अवेयरनेस बिल्ड कर सकते हैं, एक्सेप्ट कर सकते हैं, फिर इमोशनल इंटेलिजेंसी को सीखने में और इसको मेंटेन करने में बहुत आसानी हो जाएगी। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के भी यही 5 पॉइंट है, अपने इमोशन को रिकॉग्नाइज करना, उसके बाद एक्सेप्ट करना, उसके बाद रेगुलेट करना। तो इसमें सबसे पहले कि मेरा कौन सा इमोशन है, फिर उसको एक्सेप्ट करना, उसको नाम देना, फिर उसको चैनलाइज करना, रेगुलेट करना। इस तरह से हम जो है ना कंस्ट्रक्शन की तरफ जा सकते हैं। और भी ये बहुत इजी वे हो जाएगा जब हमें अंडरस्टैंडिंग होगी कि इमोशंस कुछ हमारे डिस्ट्रक्शन वाले हैं और कुछ हमारे जो कंस्ट्रक्शन वाले हैं। अब कौन सी जो फ्रिक्वेंसी पर बीट करते हैं तो हमारे लिए डिस्ट्रक्शन वाले और कौन से जो हैं हमारे डिस्ट्रक्शन वाले, तो इसके लिए जो है एक एक इमोशन की जो है ना मैं वो रीडिंग आपको बताऊंगी। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत से जो लोग हैं वो अपनी सेल्फ अवेयरनेस और रेगुलेशन के तहत अपने आप को, अपनी मेंटल हेल्थ को और फिज़िकल हेल्थ को और अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ को बढ़ा सकते हैं। तो जो इनकी फ्रीक्वेंसी उन्होंने मेजर किया, तो नॉर्मल जो ह्यूमन बॉडी की फ्रीक्वेंसी है वो सिटिंग कैब में जो है वो 7.5 हर्ट्ज़ है। तो सिटिंग पोजीशन, सिटिंग जो स्टैंडिंग में है वो अबव 7.5, अबव 10 है, तो ये मेजरेबल नहीं है और ये काफ़ी डिफ़िकल्ट है। तो इन्होंने जो इसको एज अ टोटल जो लिया है कि वो जो मेजरमेंट करते हैं साइंटिस्ट, तो उसे ऐसे ऑसिलेटर पूरी बॉडी को लेते हैं और उसकी जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को वैसे मेजर करते हैं। तो डेविड आर हॉकिन ने जो मेजरमेंट की है इमोशंस की, तो उनमें जो सबसे इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट कंडक्ट किया, उन्होंने 20 साल तक ये जो एक्सपेरिमेंट है वो कंडक्ट किया और काइनेस्थेसियोलॉजी और मसल टेस्टिंग पे किया और ये डेमोन्स्ट्रेट किया है कि ह्यूमन बॉडी जो है वो कभी स्ट्रॉन्गर हो सकती है और कभी वीकर होती है और डिपेंड करता है कि इंसान के जो मेंटल स्टेट क्या है। और उसके जो उन्होंने स्केल डिवेल्प किया, उस स्केल के तहत उन्होंने बताया कि जो 1000% जो है ना 1000 पर साइकिल जो ह्यूमन कॉन्शियसनेस है और 200
और 2000 पर साइकिल जो पर सेकंड जो फ्रीक्वेंसी है वो बिलो 200 जो है वो बॉडी को वीक करती है। और उसके लिए जो इस तरह जो इमोशंस हैं वो जो उन्होंने मेजर्स किए, तो उस इमोशन की रेंज ये है। नंबर वन जो है इमोशन गिल्ट है, उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 20 है। गिल्ट की जो इमोशन है, गिल्ट का जो जज्बा फील हो रहा था उसमें उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी 30 है। कभी बंदा ए पैथेटिक होता है और ए पैथेटिक जो फ्रीक्वेंसी है वो है 50। और उसके बाद ग्रीफ जो है, जो गम की इमोशंस में इंसान गुजर रहा होता है उसके जज्बे से, तो उस वक्त उसकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो होती है वो 75 है। जब इंसान खौफ के जज्बे से गुजर रहा होता है उसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो 100 है। डिज़ायर जो ख्वाहिशात की फ्रीक्वेंसी हो रही होती है वो 125 है। एंगर 150 है। प्राइड जिसको हम सब सोचते हैं कि ये एक पॉजिटिव इमोशन है, उसकी भी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी जो है वो 175 है। अगेन बिलो 200 है। अबाउट 200 जो है वो फ्रीक्वेंसी कंस्ट्रक्टिव है, बिलो 200 जो है वो डिस्ट्रक्टिव है, जो वीकन करती है बॉडी को। अब कॉरेज, कॉरेज फर्स्ट है जो कि 200 है। एनीथिंग बिलो इज डिस्ट्रक्टिव टू लाइफ फॉर बोथ द इंडिविजुअल एंड सोसाइटी एट लार्जर लेवल। ऑल अबव 200 आर कंस्ट्रक्टिव एक्सप्रेशन ऑफ द पावर। 200 से ऊपर जितने इमोशन जो हैं, जिनकी मेजर फ्रिक्वेंसी यहाँ मैंने बताई है अकॉर्डिंग टू डेविड आर हॉकिंस के एक्सपेरिमेंट, उन्होंने 20 ईयर एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उन्होंने मसल टेस्टिंग की, कॉन्शसनेस पर टेस्टिंग की, उसके मुताबिक जो 200 से अबव है वो कंस्ट्रक्शन वाले इमोशन है। और जो डिवाइन इनलाइटमेंट लेवल्स इन दी वो 750 टू 1000 रेंज में है। और अबव 200 आर न्यूट्रलिटी, 250 है जब इंसान न्यूट्रल होता है तो उसकी जो वाइब्रेशन इमोशनल वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी है वो 250 है। विलिंगनेस की फ्रिक्वेंसी है 310, एक्सेप्टेंस की है 350। रीजंस, जब रीजंस लॉजिकल काम किए जाते हैं, लॉजिकल इमोशन होता है उस वक्त उस इमोशन की जो फ्रीक्वेंसी है 400 है। लव की फ्रीक्वेंसी 500 है। जॉय की फ्रीक्वेंसी 540 है। पीस की फ्रीक्वेंसी 600 है। हॉकिन ने जो कैलकुलेट किया है उसके मुताबिक 80% ऑफ दी जो है ह्यूमन रेस है, उसने कैलिब्रेट किया कि ज़्यादातर जो बिलो क्रिटिकल लेवल मतलब 200 से नीचे जो है ना, जो 80% लोग हैं वो उस पे जो है ना वाइब्रेट कर लेते हैं। ओवरऑल ह्यूमन जो कॉन्शियसनेस की जो उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली मेजर किया वो 207 है। 80% उन्होंने ये कहा कि क्रिटिकल, 200 से नीचे जो है वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी इमोशनल। तो इससे ये पता चला कि 20% लोग जो है ना वो कंस्ट्रक्टिव इमोशनल फ्रिक्वेंसी में रहते हैं। तो इस मेरी छोटी सी इन्फॉर्मेशन और इस मेरे नॉलेज से मुझे उम्मीद है कि आप सब फ़ायदा उठाएंगे। जब भी अपना कोई इमोशन गुजरेगा तो उसको आप ये सोचेंगे और इसको आप अपने पास लिख के रखेंगे कि मेरा ये इमोशन है तो अभी मैं किस लेवल पे बीट कर रहा हूँ। हर हमारे बॉडी में और कायनात में हर चीज़ मूविंग है, किसी छोटे बड़े लेवल तक हर चीज़ जो हरकत में है, और हरकत ही लाइफ है। जब स्टॉप होगा तो उसमें लाइफ नहीं होती। तो ये जो मेजरमेंट की है तो इसमें जो इमोशन वाइब्रेट करते हैं तो उनकी एनर्जी है। जैसे पहले मैंने ये सारी चीज़ें ब्रीफली बता दी हैं तो मुझे उम्मीद है कि आप अपने हर इमोशन को नोट करेंगे, उसकी फ्रीक्वेंसी को देखेंगे कि मेरा ये इमोशन किस फ्रीक्वेंसी में। जिस तरह गिल्ट का इमोशन है वो 30 है, शेम का 20 है, तो 200 और 20 और 30 कितना नीचे वाइब्रेशनल फ्रिक्वेंसी है। तो फिर कोशिश करेंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम अपने आप को इंडल्ज नहीं करेंगे, जो भी इमोशन आता है उसको आने जाने देंगे, क्योंकि हर चीज़ की दो रुख हैं। अच्छाई के साथ बुराई है, बुराई के साथ अच्छाई है। इमोशन अगर स्ट्रॉन्ग है तो वीक भी हैं,
अब अगर वीक इमोशन को हम पकड़ के रखेंगे, जब हमें नहीं पता होगा कि इनको हमने अपनी बॉडी में और अपने माइंड में ज़्यादा देर नहीं रखना, जब माइंड में रखेंगे तो उसका इफेक्ट बॉडी पे आएगा, तो बॉडी पे आएगा तो मूड, तो जब मूड स्विंग होंगे, तो जब मूड डिसऑर्डर होंगे, मूड डिसऑर्डर से जो है ना वो मेंटल डिसऑर्डर होगा, तो वो एक फिर लंबी चेन ज़्यादा बढ़ जाएगी। और जब मूड मेंटल डिसऑर्डर होगा तो जो माइंड से 90% जो बीमारियाँ हैं वो माइंड की वजह से बॉडी में आती हैं। तो अगर हम अपने मूड को रेगुलेट कर लें, अपने इमोशन को रेगुलेट कर लें, इमोशनल इंटेलिजेंस की टेक्निक सीख लें, तो हम बहुत अच्छे कंस्ट्रक्टिव इस लाइफ में भी और आखिरत की ज़िंदगी के लिए भी तैयारी कर सकते हैं। रूमी का कोट है कि हम एक गेस्ट हाउस हैं, हमारे अंदर जो चीज़ें, जो अच्छाइयाँ, जो बुराइयाँ, जो चीज़ भी हमारे अंदर हमारी तरफ आती है, हमें उसको वेलकम करना चाहिए, उसे ना वो चाहे जाते हुए हमारे सोफे भी उखाड़ के ले जाएं, लेकिन हमें किसी भी इमोशन या किसी भी चीज़ को उसके साथ मतलब बहुत ज़्यादा अटैचमेंट नहीं करनी, उसके साथ ज़्यादा उसको मतलब उसको उसके उसको बुरा भला नहीं कहना। जैसे गेस्ट आते हैं तो उनके सामने हम कुछ भी नहीं कहते, उनके लिए हमें कितना खर्चा हो जाए, हमारे लिए कितना घर में नुकसान हो जाए, कितनी हमें खुद तकलीफ़ें भी उठानी पड़े, लेकिन हम उनको कुछ भी नहीं कहते। इसी तरीके से ज़िंदगी में जो हालात, जो वाक़यात आते हैं, उनको अगर हम ऐसा ही लें कि ये हमारे लिए एक एक सबक आए थे, कोई ना कोई हमें इससे एक सबक मिला, और हर 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 जो एक चीज़ आती है वो एक सबक, और उसके बाद अगर गम है तो उसके बाद खुशी है, कोई इनके दो हिस्से, एक एक पलट के कभी एक आएगा कभी दूसरा आएगा, और ये ज़िंदगी है, इस ज़िंदगी में जो है वो ये सब चीज़ें ये आएंगी। हमने हर चीज़ को एक नॉर्मलाइज लेना, हर चीज़ में हमने न्यूट्रल रहना है और उसमें से कोई ना कोई सबक सीखना है। आई होप सो कि आपको मेरी ये पसंद आई होंगी बातें और इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा आपकी ज़िंदगी में होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर आने वाली नई वीडियो आपको आपकी ज़िंदगी में वैल्यू डाले, और अपने दोस्तों और फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। हो सकता है किसी एक की ज़िंदगी मेरी इस लफ्ज़ों से, मेरी इस आवाज़ से, मेरे इस वीडियो से किसी की ज़िंदगी बदल जाए और किसी की ज़िंदगी किसी एक वीडियो की इंतज़ार में हो। थैंक यू।